अबोहर में एक गर्भवती महिला पे किया हमला। नेहा ने बताया कि उसकी ढाणी में रहने वाली राय सिंह, प्रदीप सिंह, सुरेंद्र कुमार, पुत्रार मुढ़ाराम वासी ढीना तुबंडवन ने उस पर हमला किया और उसके पति पर भी हमला किया। नेहा ने बताया कि वह गर्भवती है, इसी दौरान हमलावरों ने उस पर हमला बोल दिया। इस दौरान उसके पेट में पल रहे बच्चे को चोट लगी। उपचार के लिए उसकी जेठानी पूजा रानी व रिश्तेदारों ने सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया। SMO गगनदीप सिंह की टीम ने उसकी देखभाल की, जिसके चलते उसका बच्चा खतरे से बाहर बताया जा रहा है। नेहा ने बताया कि उसके कमर में दर्द है। सोहन लाल ने बताया कि उस पर तीनों भाइयों ने डांगों से हमला किया, जिसके चलते उसके हाथ की हड्डी क्रैक हुई है। इस मामले में थाना बहावाला के प्रभारी बलविंदर सिंह टोहरी के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल बलकौर सिंह, अन्य पुलिस पार्टी के बयान कलमबद्ध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सोना रानी के साथ अबोहर से एस शर्मा की रिपोर्ट। जानकारी आकर हुआ क्या क्या हुआ, क्या वारदात है आपके साथ, झगड़ा हुआ, अस्पताल दाखिल हो? मैं मेरे पति को मार रहा था, मैं छोड़ाने गई, मेरे पति को छोड़कर मेरे को धक्का दिया, मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हो गया, मैं हॉस्पिटल आई, टीको लगवाई और मेरे कमर में अभी भी दर्द है। आपको अस्पताल कौन लेके आया? हॉस्पिटल मेरा सास, ससुर, पति, जेठानी। ये जेठानी आपकी? हाँ जेठानी है, बड़ी वाली। हाँ जी, क्या नाम जी आपका? पूजा गोस्वामी। हाँ पूजा जी, क्या मामला था और क्या हुआ आपकी दरानी को और किसने इसको चोटें मारी हैं? वो राय सिंह है ना, गुटाणी में, तो गुटाणी में रहता है वो, आकर पहले इसके पति को मार रहा था, फिर इसको धक्का दिया गेट से, फिर ये पीठ एक पीठ से पीछे पड़ी तो इसके पेट में दर्द होने लगा। फिर हम तो सास ससुर सारे आए, इसको इसका बच्चा तो बचा लिया बस। अच्छा, डॉक्टर ने बचा लिया। अगर इसके ये कितने बजे दाखिल हुए थे आज अस्पताल में? लगभग 12-1 बजे का टाइम है बस। अब ये स्वास्थ्य इनका कैसे, बच्चे और इनका स्वास्थ्य कैसे है? अब तो ठीक है, पर कमर में दर्द अभी तक है। आप क्या चाहते हो पूजा जी, आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जिसने सब पर हमला किया उसको सबसे बड़ी सजा मिल जाए। विनोद कुमार जी, क्या हुआ जो अपनी पत्नी आपकी दाखिल और आप दाखिल हो? कहाँ के रहने वाले हो आप? हम कंदवाड़ा मोड़ से रहने वाले हैं। कौन सी डाणी रहते हो आप? डाणी तुम्बड़वा रहते हैं हम। अच्छा, क्या हुआ मामला, क्या जो आपकी पत्नी दाखिल है आप दाखिल हो? तो दाखिल ऐसे है, मैं तो गया तो कंदवाले पीछे से, ये राय सिंह नहीं है, ये बाहर ट्रैक्टर जाकर ये गाली निकाल रहा था हमारे गेट कर आकर खड़े, क्या कौन रुकता है मुझे, मैसेज चलाऊंगा डायरेक्ट। तो क्या हुआ, मेन डेक चला रहा था वो? झगड़े के बाद हम चुपचाप घर चले गए, फिर इसने अपने गुंडे बुला लिए, 2-3, 10-15 और गुंडे थे, हम 2-3 थे और हमारे घर पे आने गेट गुट खड़काने लगे और मेरी बीबी को भी चोट आई है थोड़ी सी, मेरी बीबी को धक्का लगा और मुझे मेरे चोट लगी है, मेरे तो पीछे लगी है। जब आपके हमला हुआ था आपने कभी पुलिस को फोन किया था वहाँ भावाला थाना में? नहीं 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 किया। आप पर जो हमला हुआ, बहू पर हमला हुआ थारे पर, कन करे हमला और के बात इसी राइसिंग करे हो के बाद की बात होने के हम लोग बारे खड़े हो, दारू पी के बक्कन ना करे हो, टाबरा के हट गालना गाड़ भी सारा गेन बेटी है मारे गरीब मैं दुनिया ना बोल, मैं आप गई मन्ना धक्को मारियो मेरी लात गेन ली आना पकड़ गए, मैं अन्न जुदा हुई आपने भी चल दफा करो कीड़ है अन्न दाब लिया नीचे तो अन्न काट। आपके पति को मारपीट की गई है और अन्न काट लग गया वो बाद में जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं अपने सपनों का खूबसूरत घर लेना तो हमसे संपर्क करें, 30 टावर, तो संपर्क करना ना भूलें। गया पटना रोड अपोजिट JD गोयंका पब्लिक स्कूल, रसलपुर, गया, बिहार। खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल News Prime 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।